Good morning, students. I hope you are all good. This is your science classes, and we discuss chapter number 2, nutrition in animals. Previously, we completed topic pancreas, liver, pseudopodia, and some other topic. And today we are going to start revision topic rumen. So, student, it is a part of stomach, of some animals, like cow, buffaloes, and other grass eating animals quickly swallow the grass, and store it in a separate part of the stomach called rumen. In the rumen, swallowed food grass digested by an aerobic bacteria and protozoa unicell organisms especially act upon
सेल्यूलोज, सेल्यूलोज टू ब्रेक डाउन इन सिंपल कंपाउंड्स द पार्शियली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड digestive food in the rumen called cud. So student, here we can see that rumen, it is a part of stomach of some animals like cows, buffaloes and other grass eating animals. Means rumen jo basically कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें ही र्यूमन पार्ट ऑब्टेन होता है. जैसे एग्जांपल्स है काउ, बुफेलोस एंड अदर एनिमल्स हुज ईटिंग ग्रास. दिस एनिमल्स क्योंकि स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन. बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल्स है वो पहले जल्दी जल्दी जो भी मटेरियल है जैसे ग्रास फूड है इनको वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी स्वॉलो करके यानी कि निगल के स्टमक के एक अपने सेपरेट पार्ट में जिसको हम लोग र्यूमेन बोलते हैं उसमें वो कलेक्ट कर लेते हैं. कुछ देर बाद क्या होता है इन द र्यूमेन सॉलिड फूड डाइजेस्टेड बाई एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विच आर यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स. मीन्स कुछ देर बाद क्या होता है र्यूमेन से जो सॉलिड फूड है जितना फूड डाइजेस्ट होना होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें फूड बचे रहते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ के थ्रू क्या होते हैं डाइजेस्ट किए जाते हैं. और ये ऐसे बैक्टीरिया है दिस बैक्टीरिया इज नोन एज यूनिसेलुलर. मीन्स ये यूनिसेल बैक्टीरिया होते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म स्पेशली एक्ट अपॉन सेलुलोज टू ब्रेक डाउन इन सिंपल कंपाउंड्स द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द र्यूमेन कॉल्ड कड. मीन्स इसमें जो बाकी बचा हुआ जितना डाइजेस्ट होना रहता है र्यूमेन में वो डाइजेस्ट होने के बाद अगर कुछ पार्ट जो बच जाते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड कड. नेक्स्ट टॉपिक इज र्यूमिनेशन. र्यूमिनेशन आफ्टर सम टाइम द कड ऑफ द र्यूमेन रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स. लम्स एंड द एनिमल्स choose it. This process is called
क्वेश्चन. रूमिनेशन. सो स्टूडेंट, व्हाट इज रूमिनेशन? आफ्टर सम टाइम द कड ऑफ द रूमिन रिटर्न्स टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स. मतलब कुछ टाइम के बाद बेसिकली क्या होता है, जो फूड रूमिन में कलेक्ट हुआ है वहां पे एनरोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ से जितना डाइजेस्ट होता रहता है उतना होने के बाद जो कट पार्ट है वो वापस से एनिमल्स के माउथ में स्मॉल लंग्स में वापस आते हैं एंड द एनिमल च्यूज इट. और एनिमल्स इसको क्या करते हैं, च्यूज करते हैं यानी इसको चबाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. एनिमल के द्वारा जो च्यूज करने की जो प्रोसेस है यानी उसे चबाने की जो कंटिन्यूअस वो चबाते रहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रूमिनेंट. Ruminate the animals which have rumen and carry out rumination are known as ruminate. Ruminate the animals which have rumen and carry out rumination process means ऐसे animals जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था काउस, बफेलोज एंड सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो कि जिनके स्टमक में क्या होता है, रूमेन पाया जाता है और उनकी जो च्यूज करने की जो प्रोसेस है यानी जो वो कंटिन्यूअस चबाते रहते हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रूमिनेंट. नेक्स्ट टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड. Human mouth, there are present salivary glands. Saliva saliva moistens the food and help contains enzyme which breaks down the starch
this starch into sugars. Salivary gland. In human mouth there are present salivary glands. Human के mouth में salivary glands present होते हैं which secrete saliva, जो continuously क्या करते हैं, एक enzyme, जैसे हमारे liver है वहां पे हम लोगों ने देखा था they liver secretes enzyme, pancreas secrete pancreatic juice. इसी तरह जो salivary glands होते हैं वो continuously saliva का secrete करते हैं. Saliva moisten the food and helps in chewing of food by teeth. Saliva क्या होते हैं? Saliva food को चबाने में help करते हैं और and by the teeth. यानी वो teeth की help से chewing process को वो complete करते हैं. Saliva also contains enzyme which breaks down the starch into sugars. और saliva में एक ऐसा enzyme होता है, enzyme contain करता है जो कि क्या करते हैं? स्टार्च को सुगर्स में ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, यानी कि सलाइवा आल्सो कंटेन एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सलाइवा. It is secreted by salivary gland present in human mouth. Saliva contains an enzyme that is saliva amylase. Which breaks down the starch into sugar in mouth. Saliva kya hoti hai? What is saliva? It is secreted by salivary glands present in human mouth. Basically, salivary gland से एक saliva secrete होता रहता है constantly और इस saliva को जो enzyme secrete होता है उसको हम लोग amylase के नाम से जानते हैं which breaks down the starch into sugar. और अभी हम लोगों ने previous topic यानी salivary gland में भी हम लोगों ने same चीज देखा कि ये continuously क्या करते हैं, इनका वर्क जो है ये स्टार्च को सुगर में कॉन्टिन्यूअसली ब्रेक करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज विली.
में हम लोग अगर देखें सिंगुलर टर्म डैट इज विलस, द इनर वॉल, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल intestine have thousands of finger like projections These are called villi. Each villus have a network of thin and small blood vessels close to the surface the surface of the villi absorbs the digested food materials the villi increase the surface area for the absorption of the digested food into the blood so students villi in singular form villus the inner walls of the small intestine have thousands of finger like projections matlab small intestine mein finger type thousands of projection present hote hain वही क्या कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड विलीज जैसे अभी हम लोगों ने अमीबा में भी फिंगर टाइप प्रोजेक्शन को देखा था वहां पे दीज फिंगर टाइप प्रोजेक्शन आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया ईच विलस हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू दी सर्फेस बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं ईच विलस हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स जितने भी विलीज हैं इसमें थाउजेंड में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं द सर्फेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन टू द ब्लड और ये हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट कराते हैं और साथ ही ब्लड वेसल्स में इसको एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करते हैं ओके स्टूडेंट सो आई होप This topic is clear to all of you. In my next video, we discuss some other topic related to this chapter. Thank you and have a nice day.